तासीर चश्म गम न भुला दूं तो बात क्या। तासीर चश्म गम न भुला दूं तो बात क्या। उनको भी एक दिन न रुला दूं तो बात क्या। थोड़ा सा माहौल तवज्जो चाहूंगा एजाज भाई। तासीर चश्म गम न भुला दूं तो बात क्या। उनको भी एक दिन न रुला दूं तो बात क्या। राहे जुनून शौक बढ़ाने की देर है। मंजिल जगह जगह न बना दूं तो बात क्या। शेर सुने साकी से बस निकाह मिलाने की देर है। साथी से बस निकाह मिलाने की देर है। आलम को मैं कदान बना दूं तो बात क्या। आलम को मैं कदान तो बात क्या। साथी से बस निगाह मिलाने की देर है। आलम को मैं कदा न बना दूं तो बात क्या। सबसे अच्छा शेर है ये दिल तुम्हारी याद से गाफिल तो हो कभी। ये दिल तुम्हारी याद से गाफिल तो हो कभी। इस दिल को खाक में न मिला दूं तो बात क्या। वो खाक में न मिला दूं तो बात क्या। एक नई रदीफ है तवज्जो दें। कतरा कतरा जिंदगी से गुजर जाऊं क्या कहूं। कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं। रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। क्या करूं मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। गिर जाऊं टूट जाऊं या मर जाऊं क्या करूंगा। क्या करूं फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर। फिर आके लग रहे हैं परों पे हवा के तीर। पर परवाज अपनी रोक लूं डर जाऊं क्या करूं। परवाज अपनी रोक लूं डर जाऊं क्या करूं। दो मिसरे और उसके बाद मतला। इंशाल्लाह वो मतला पेश कर रहा हूं कि जितने भी मेरे बड़े बैठे हैं मचल जाएंगे। कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। जिंदगी से मौत जैसे मिलती हो आने के बाद। तो भूपा बेहसी बेटा बहुत आराम से जाना। Oh, oh, oh.
वाली साहब ने सुना मैं जिमाऊ जा रहा हूँ, तो बिलखुसूस आपका नाम लेकर अर्ज की के हजरत को सलाम अर्ज करके और ये गजल पेश करना, क्योंकि मेरी पहचान पूरे कोकण में अगर किसी जगह से है तो वो अपड़ कुड़िल से है। सबसे पहले मेरी वहीं आने हाजिरी हुई थी। तवज्जो चाहूंगा, एक मिसरा एक मतला, इसमें दो मतले हैं, दोनों बेपनाह हैं बड़े भाई। गर तेरी चश्मे करम मैं कदा बर्दोश रहे, फिर तेरी बज़्म में तौबा का किसे होश रहे। गर तेरी चश्मे करम मैं कदा बर्दोश रहे, फिर तेरी बज़्म में तौबा का किसे होश रहे। होश जाते ही करूंगा मैं जहां को बेहोश, तुम दुआ मांगते रहना कि मुझे होश रहे। जाते ही करूंगा मैं जहां को बेहोश, तुम दुआ मांगते रहना कि मुझे होश रहे, कि मुझे होश रहे। मुझ में और होश में दोनों में ये तह पाया है, मुझ में और होश में दोनों में ये तह पाया है। अब तेरी बज़्म में या होश रहे, या मैं रहूं या होश रहे। मुझ में और होश में दोनों में ये तह पाया है, अब तेरी बज़्म में या मैं रहूं या होश रहे। आहा, जिगर मुरादाबादी साहब के कुछ मिसरे हैं। दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया। मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, जब कोई जिक्र कर दिशे अय्याम आ गया। बे इख्तियार लब पे तेरा नाम आ गया, साहब का ये शेर लगता है। जब कोई जिक्र गर्दिशे अय्याम आ गया, बे इख्तियार लब पे तेरा नाम आ गया। अब शेर सुने,
दीवानगी हो अक्ल हो उम्मीद हो के यार अपना वही है वक्त पे जो काम आ गया सज्जाद भाई बुजुर्गों की गजलें हैं इसलिए इसमें कते भी बुजुर्गों के पेश कर रहा हूं। मतला नजर कर रहा हूं सिर्फ अपने बड़ों के लिए। बेटा हल्की सी लय कम कर ले। हुबाबे हस्ती हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता मेरे वालिद के लिए भी दुआ करें। उनकी आज तबीयत अलील है। अल्लाह इस बुजुर्गों के सत्ते में उन्हें सेहतियाब रखे क्योंकि उनका हुक्म है इसलिए ये बेटा बजा कर रहा है। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। कजा से कह दो वहीं पे ठहरे कजा से कह दो वहीं पे ठहरे मैं खुद ही नजदीक आ रहा हूं। Oh, yeah.
सारे बड़ों का है। तब जो जाऊं दूसरा मतलब बुझी हुई बुझी हुई शम्मा का धुआं, बुझी हुई शम्मा का धुआं, मैं अपने मरकज को जा रहा हूं। बुझी हुई शम्मा का धुआं, मैं अपने मरकज को जा रहा हूं। के दिल की हस्ती तो मिट चुकी है, के दिल की हस्ती तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। हस्ती तो मिट चुकी है, के दिल की हस्ती तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। रिलेटेड पूरी गजल है, मैं एक शेर पर नहीं पूरी गजल पर तवज्जो चाहूंगा। अंकल शेर सुनिए जहूर भैया, आपने जो गजल याद दिलाई, नजर की मंजिले मकसूद मैं रुमाह नहीं, ये जलवागाह के पर्दे हैं जलवागाह नहीं, निकाब उलट दिया मूसा ने तूर पर उनका, अगर गुनाह सलीके से हो गुनाह नहीं। शेर सुने ये खुश नसीबी तो देखिएगा, ये खुश नसीबी तो देखिएगा, ये खुश नसीबी तो देखिएगा, वो सुन के मैयत को मेरी आए, ये खुश नसीबी तो देखिएगा, वो सुन के मैयत को मेरी आए, खबर न ली उम्र भर जिन्होंने, खबर न ली उम्र भर जिन्होंने, उन्हीं के कानों पे जा रहा ¡Gracias!
साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई हजरत पीर हुसामुद्दीन शाह साहब जिलानी शाह साहब ने ये शेर मुझे इसमें इजाफत दी है। आपके मतलब का शेर शायद समझ में आए तब जो चाहूंगा थोड़ा सा साइड हो जाए हल्का सा भाई पीछे वालों जरूर भाई अब शेर सुनिए हनी भाई हो शेख तुझको ये नया शेर हो शेख तुझको हरम मुबारक हो शेख तुझको हरम मुबारक हो शेख तुझको हरम मुबारक मैं अपने महबूब का दीवाना हरम मुबारक मैं अपने महबूब का दीवाना उसी की खाके कदम उठाकर उसी की खाके कदम उठाकर मैं अपना काबा बना रहा हूँ बाबू एक मिनट के लिए जरा साइड हो जाओ बड़ा इसका मकबूल शेर है और मैं अपने तमाम बड़े भाइयों की नजर कर रहा हूं मेरे वालिद साहब एक कथा पढ़ते हैं कि आज कुछ यूं खिले दिल में तेरी यादों के कमल जिंदगी एक गमे पैहम की तरह गुजरी है तू नहीं है तो मेरे दोस्त मुझे तेरी कसम आज की ईद मुहर्रम की तरह गुजरी है। अदनान भैया शेर नजर कर रहा हूं हजरत मुखातिब भाई उधर वो घर से निकल रहे हैं ये शेर मैं फिर से अदनान भाई के हुकुम की तामील करते हुए जनाब फैसल भाई के लिए पढ़ रहा हूं आज कुछ यूं खिले दिल में तेरी यादों के कमल जिंदगी एक गमे पैहम की तरह गुजरी है तू नहीं है तो मेरे दोस्त मुझे तेरी कसम आज की ईद मुहर्रम की तरह गुजरी है। एक दो मिसरे सुन के जाए तूर नियाजी तेरे हर नक्शे पा को आज मंजिल याद करती है तेरे हर नक्शे पा को आज मंजिल याद करती है कहां है जाने वाले आ ये महफिल याद करती है। ये हमने फैसल भैया को अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए जल्दी से थोड़ा सा सुकून बना ले तवज्जो अमित भैया उधर वो घर से निकल रहे हैं उधर वो घर से निकल रहे हैं इधर मेरा दम निकल रहा है इधर मेरा दम
मातम निकल रहा है, दगा कहाँ दे गई ये किस्मत, दगा कहाँ दे गई ये किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा। अदनान भाई कहाँ गए? अदनान भाई, अदनान जहां भी हो, ये शेर आपकी नजर, एक मिनट के लिए महफिल में आ जाए। मैं ये शेर उन्हीं की नजर कर रहा हूँ भाई। अदनान भाई, सर सर सर, इस पैंडेमिक में हम सभी में से किसी ना किसी ने एक को खोया है। सज्जाद मियां जहां बोल रहा हूं, जरा तवज्जो दें। मेरा भी एक जानशीन गया है, मेरा प्यारा गया है। फैसल भाई को मद्देनजर रखकर ये शेर पढ़ रहा हूं। मोहब्बत इंसान की है फितरत, मोहब्बत इंसान की है फितरत। ये तमाम उनके लिए है क्योंकि किसी न किसी का कोई ना कोई अजीज था। मोहब्बत इंसान की है फितरत, कहाँ है इमकान तर्क उल्फत। मोहब्बत इंसान की है फितरत, कहाँ है इमकान तर्क उल्फत। वो और भी याद आ रहे हैं, और भी याद आ रहे हैं, वो और भी याद आ रहे हैं। मैं उनको जितना भुला रहा हूँ, जितना
بالخصوص آخری شعر اور اس کے بعد مخرہ میں نظر کر رہا ہوں. ظفر بھائی اس محفل میں موجود ہیں. یہ شعر پہلے ظفر بھائی ظفر گورگاری صاحب کی نظر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. کس سائڈ بیٹھے ہیں ظفر بھائی؟ حضرت ظہور بھائی شعر سننا. کفن میں خود کو چھپا لیا کفن میں خود کو چھپا لیا ہے کفن میں خود کو چھپا لیا ہے کفن میں خود کو چھپا لیا ہے کہ تجھ کو پردے کی ہو نہ زحمت کفن میں خود کو چھپا لیا ہے کہ تجھ کو پردے کی ہو نہ زحمت نقاب اپنے لیے بنا کر نقاب اپنے لیے بنا کر حجاب تیرا اتارا کفن میں خود کو چھپا لیا ہے کہ تجھ کو پردے کی ہو نہ زحمت حجاب نقاب اپنے لیے ہو نقاب اپنے لیے بنا کر حجاب تیرا اتارا تمام لوگوں سے مقطع پر متوجہ ہوں. بڑی عظیم شخصیت ہے جن کی یہ غزل ہے. بڑے پرانے شاعر ہیں جناب صابر صاحب. زمانہ کیوں ہے میری قسمت زمانہ کیوں ہے یہ محب حیرت وہ آ رہے ہیں یہ میری قسمت بچھا ہے پلکوں کا فرش صابر چھا ہے پلکوں کا فرش صافی چراغ دل کے جلا واہ 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 واہ
जफर भाई ने एक शेर भेजा है, अजब ये तकरार हो रही है, अजब ये तकरार हो रही है, अड़े हैं दोनों ही जिद पे अपनी, वो रुख पे पर्दा गिरा रहे हैं, रुख से पर्दा गिरा रहे हैं, मैं रुख से पर्दा उठा रहा हूँ, रुख पे पर्दा गिरा रहे हैं। भाई ये शेर आ जाए जरा, ले जाए अपना मेहमाना। अजब ये तकरार हो रही है, अजब ये तकरार, अजब ये तकरार हो रही है, अड़े हैं जिद पे ही दोनों अपनी, अड़े हैं जिद पे ही दोनों अपनी, अजब ही तकरार, अजब ही तकरार, अड़े हैं दोनों ही जिद पे अपनी, वो रुख पे पर्दा गिरा रहे हैं।